नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद के मॉनसून सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सदन के दोनों सत्रों में देश की कोविड स्थिति पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड 19 महामारी की वजह से जान गंवाने वालों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अधिकतर सांसदों का टीकाकरण हो चुका है, इससे संसद की विधायी कार्यों को और विश्वास से करने में मदद मिलेगी। वहीं विपक्षी पार्टियों ने सरकार के उस पेशकश का विरोध किया है जिसमें संसद भवन एनेक्सी में दोनों सदनों के सदस्यों को कोविड 19 के मुद्दे पर प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित करने का प्रस्ताव किया गया था। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि यह संसदीय परंपरा को दरकिनार करने का एक और तरीका है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अधिकतर सांसदों का टीकाकरण हो चुका है और इससे संसद की विधायी कार्यों को और ज्यादा विश्वास से करने में अब आगे मदद मिलने वाली है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने सरकार के उस पेशकश का विरोध किया है जिसमें संसद भवन एनेक्सी में दोनों सदनों के सदस्यों को कोविड 19 के मुद्दे पर पीएम के द्वारा संबोधित करने का प्रस्ताव किया गया था। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि यह संसदीय परंपरा को दरकिनार करने का एक और नया तरीका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि मंगलवार को कोरोना टीकाकरण नीति और महामारी पर चर्चा के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। बैठक में कोरोना से निपटने को लेकर एक प्रस्तुति दी जाएगी। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा करते हुए बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पार्लियामेंट एनेक्सी में कोरोना महामारी पर दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। सरकार के इस घोषणा पर ऐतराज जताते हुए विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि जब संसद सत्र चल रहा होगा तो बाहर संबोधन करने की जरूरत क्या है, यह बेहद अनियमितता है और इसका मकसद मानकों की अनदेखी करना है। पार्लियामेंट एनेक्सी संसद भवन परिसर में एक अलग ही इमारत है। तो आपको बता दें कि पार्लियामेंट एनेक्सी में कोरोना महामारी पर दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी आपको बता दें कि सरकार के इस घोषणा पर ऐतराज जताते हुए विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है कि जब संसद सत्र चल रहा होगा तो बाहर संबोधन करने की जरूरत क्या है, यह बेहद अनियमित है और इसका मकसद मानकों की अनदेखी करना है। पार्लियामेंट एनेक्सी संसद भवन परिसर में एक अलग इमारत है। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के देश के अधिकांश राज्य जहां जूझ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में वायरस लगभग पूरी तरह से नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना संक्रमण के खिलाफ मिशन मोड में उतरने का ही असर है कि बीते 24 घंटे में 75 में से 55 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला है। वहीं बीते 24 घंटे में 40 नए संक्रमित मिले हैं। उत्तर प्रदेश में अब कुल सक्रिय केस 1188 ही हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,18,725 सैंपल की जांच में सिर्फ 40 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं 99 लोग इसके संक्रमण से उभरे हैं। इस अवधि में पॉजिटिविटी दर 0.02% रही है। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 98.6% है। वहीं अब तक 16,43,978 से अधिक प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान किसी भी जिले में दोहरे अंक में नए केस की पुष्टि नहीं हुई है। 55 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया है, जबकि 20 जनपदों में इकाई अंक में मरीज पाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 1188 है। यह स्थिति बताती है कि प्रदेश में हर नए दिन के साथ कोविड महामारी पर नियंत्रण की स्थिति और बेहतर होती जा रही है। वहीं देशभर में मॉनसून के सक्रिय होने से लगातार जारी है और आपको बताते हैं कि दिल्ली में आज सुबह से हो रही बारिश से लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के मांडो गांव में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई और 4 लोग लापता हैं।
इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और मुंबई में भी भारी बारिश से जनधन की हानि हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया है कि अगले एक हफ्ते तक उत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में 23 जुलाई तक बादल बरसेंगे। आज हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद उत्तरी क्षेत्र सहित देश के कई हिस्सों में अगले 6-7 दिनों में भारी बारिश होगी। तो वहीं मानसून का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। तो बारिश के चलते कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पश्चिमी क्षेत्रों में 23 जुलाई तक बादल बरसेंगे, यानी आज की बात अगर करी जाए तो हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद उत्तरी क्षेत्र सहित देश के कई हिस्सों में अगले 6-7 दिनों में भारी बारिश होगी। तो वहीं मानसून का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर देहात में डेरापुर थाना क्षेत्र के बिहारी गांव के पास नेशनल हाईवे में दर्दनाक भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि बिहारी गांव के पास बारिश के चलते तेज रफ्तार शताब्दी बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और नेशनल हाईवे की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं लखनऊ में जलवंशी समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जलवंशी मोर्चा की तरफ से आयोजित की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद ने कहा है कि जलवंशी समाज के लोगों की संख्या यूपी में 18% है और वो चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन बड़ी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के बाद इस समाज को नजरअंदाज कर देती हैं। इसीलिए आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने का भी ऐलान मोर्चे की तरफ से किया गया है। हम लोग 403 सीटों पे मजबूती के साथ, हमारी जो जलवंशी मोर्चा है, जो हमारे समाज के सभी पार्टियां हैं एक साथ आई हैं, समाज की काफ़ी संगठन हमारे साथ आए हैं, वो हम सब मिलकर पूरे मजबूती के साथ हम लोग एक 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। बिल्कुल है, क्योंकि ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिए ये तो आप लोगों ने, मीडिया वालों ने ही दिखा दिया है आजकल सभी चैनल पर कि 18% हमारी आबादी है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, हमारे किसी भी विधानसभा में जाइए, हर विधानसभा में हमारी संख्या 70,000, 80,000, 50,000 है। हम लोग समाज, हमारा जो समाज है, जलवंशी समाज है, सिर्फ जलवंशी समाज एक छोटा सा समाज नहीं है, बहुत बड़ा उसमें समूह है। 17 जातियाँ 18 जातियाँ आती, सब टाइटल्स में आते हैं। एक्चुअली इसके पहले लोग छोटे छोटे समझते थे, लेकिन छोटा नहीं है, एक छोटी छोटी मछलियाँ मिलकर एक बहुत बड़ा मछली बन चुके हैं जलवंशी के रूप में। इसी कारण मैं बताना चाहूँगा कि हमारे हर विधानसभा में लगभग 50,000, 70,000, 80,000 तक वोट है और वहाँ पे हम जीतने। वहीं संसद के मॉनसून सत्र में पेश होने वाले विद्युत संशोधन बिल को लेकर राजधानी लखनऊ में जमकर हंगामा हुआ है। शक्ति भवन में बिजली कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के महामंत्री महेंद्र राय ने कहा है कि यह विरोध इसलिए है, जो बिजली संशोधन बिल है ये स्टेट होल्डर की स्वायत्तता पर प्रहार है। यही कारण है कि केवल देश के उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर बिजली कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इस दौरान बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के महामंत्री महेंद्र राय ने कहा है कि ये विरोध इसलिए है कि जो बिजली संशोधन बिल है ये स्टेट होल्डर की स्वायत्तता पर प्रहार है। यही कारण है कि केवल देश के उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए ये काम किया जा रहा है। जिनसे फायदा होगा उनको कंपनियां देंगी बिजली, और जिनसे लॉस होगा उसको हम बिजली देंगे। और यदि बिजली में कोई फॉल्ट आता है
बिजली कहीं कम मिलती है तो जो इनका पेनाल्टी का वो है वो बिजली विभाग भुगतेगा और वो कहेगा कि हमने तो बिजली मिली नहीं इसलिए हमने उपभोक्ता को दिया। इस तरह से सारी चीज़ों को मिला करके जो हमारे ऊपर और किसानों के ऊपर गरीब मजदूरों के साथ जो अन्याय करने के लिए बिल लाया जा रहा है उसके विरोध में हम आज खड़े हैं और ये हमारा विरोध 10 अगस्त तक जारी है, यानी 4-5 को हम लोग दिल्ली में श्रम शक्ति भवन पर जोन वारिस बैठेंगे लोग, 27 को श्रम ये ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से मिलेंगे और इसके बाद भी अगर ये पेश करने की तैयारी करते हैं तो 10 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में एक दिन का हड़ताल अब्लिक कार्य बहिष्कार हम लोग करेंगे और उसके बाद नहीं मानेंगे तो आगे की रणनीति बना करके पूरे भारतवर्ष का बिजली कर्मचारी किसानों को सहयोग लेगा और सभी के सहयोग से बहुत विस्तृत तौर पर आंदोलन चलाने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि आज हम लोग इस सरकार के देख रहे हैं कि ये सरकार केवल उद्योगपतियों के सहारे चल रही है और उद्योगपतियों के लिए चल रही है, ये आम जनता किसान मजदूर किसी के लिए इनका कोई ध्यान नहीं है, केवल ध्यान भटका करके हमें इन सब चीजों महंगाई से लेकर के सारी चीजों को मुद्दे को पीछे। वही जौनपुर के बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरित की है। ट्राई साइकिल उपकरण पाने के बाद दिव्यांगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। दिव्यांगों के लिए ट्राई साइकिल बनाने वाली कंपनी एल्मिको के कर्मचारियों और जिले के अधिकारीगण भी मौजूद रहे हैं। बदलापुर ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों दिव्यांगों को इसका लाभ मिल रहा है। विधायक ने कहा है कि दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल के माध्यम से आने जाने में सुविधा मिलेगी। क्षेत्र में बचे हुए अन्य दिव्यांगों की सूची तैयार कर उन्हें लाभ दिलाने के लिए विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। तो बीजेपी विधायक ने दिव्यांगों की मदद की है। आपको बता दें कि दिव्यांगों के लिए ट्राई साइकिल बनाने वाली कंपनी एल्मिको के कर्मचारी और जिले के अधिकारीगण भी इसमें मौजूद रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बदलापुर ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों दिव्यांगों को इसका लाभ मिल रहा है। विधायक ने इस दौरान कहा है कि दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल के माध्यम से अब आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी। क्षेत्र में बचे हुए अन्य दिव्यांगों की सूची तैयार करके उन्हें लाभ दिलाने के लिए विधायक ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। वहीं गाजीपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर सभी लिपिक कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यों का बहिष्कार किया है। काम का बहिष्कार करते हुए लिपिक कर्मचारियों ने अपने ट्रांसफर के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने विभागीय आईएएस अधिकारियों के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। लोगों का यह आरोप है कि विभाग के दक्षिण भारतीय आईएएस अधिकारी ने राजनीतिक पार्टी को प्रदेश में स्थापित करने के लिए ये तबादला एक्सप्रेस चलाया है। आगे लोगों ने कहा है कि इस तबादले में 70% से ऊपर कर्मचारियों का तबादला कर स्वास्थ्य विभाग काम करने वाला है। आपको बता दें कि ऐसे में WHO के द्वारा तीसरी लहर की बात भी कही जा रही है और ये तबादला इसी तरह चलता रहा तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कैसे तीसरी लहर को रोक पाएंगे, ये समझ से परे की बात है। यह हम लोग के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज हम लोग 75 जिले में जो हम लोग के एक निदेशक प्रशासन IAS होते हैं उनके द्वारा शासनादेशों की धज्जी उड़ाते हुए मास्क स्थानांतरण कर दिए गए हैं और स्थानांतरण 1,000 किलोमीटर दूरी पर कर दिए गए हैं, जबकि शासनादेश जो है वह इसकी अनुमति नहीं देता था और इसके विरुद्ध जो है हम लोग की प्रांतीय बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है इस पे अब अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। वहीं आजमगढ़ के समस्त मनरेगा कर्मियों के साथ तकनीकी सहायक लेखा सहायक के साथ मिलकर सेवकों के लाभमंद होने के हुए प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट क्षेत्र में जुलूस निकालकर विकास भवन का घेराव किया गया है। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने सरकार की नीति के खिलाफ असंतोष जताते हुए कहा है कि आंदोलन मनरेगा कर्मियों की जेम पोर्टल से नियुक्त किए जाने हैं, पूर्व से कार्यरत मनरेगा कर्मियों का समायोजन ना किए जाने, वहीं शासनादेश के विपरीत महिला मेट का चयन जैसे प्रतिकूल निर्देश दिए जाने को लेकर है। इसके अलावा पूर्व से कार्यरत मनरेगा कर्मियों की समस्याओं का निस्तारण ना किए जाने के कारण ही जिला स्तर पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया गया। वहीं धरना प्रदर्शन के माध्यम से 6 सूत्रीय मुख्य मांगे शासन को भेजी भी गई।
उत्तर प्रदेश मनरेगा महासंघ के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें 12 तारीख को हम लोग विकास खंड स्तर से प्रमुख सचिव को एक ज्ञापन दिए थे। आज वह जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। हम लोगों की मांग है कि जेम पोर्टल से मनरेगा में कोई नियुक्ति न की जाए और मेट प्रकरण पर कोई भी नियुक्ति न की जाए, क्योंकि मेट का जो जॉब चार्ट है वह रोजगार सेवक का भी जॉब चार्ट है, और रोजगार सेवक के जॉब चार्ट में अगर दूसरा कोई काम करेगा तो वहाँ पर टकराव होगा और हम लोगों के अधिकारों का हनन होगा। हम इसके नियुक्ति के लिए किसी भी कीमत पर न हो, इसके लिए कृत संकल्प हैं, और हम लोग यह लड़ाई आगे 26 तारीख को लखनऊ में धरना होगा, जिसमें हम लोग मेट की नियुक्ति और जेम पोर्टल से नियुक्ति दोनों पर विराम चाहते हैं, यह किसी भी कीमत पर नहीं। वहीं आजमगढ़ के जीएनपुर कोतवाली पर शांति समिति की बैठक की गई। आपको बता दें कि उपजिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें त्यौहार को सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने की अपील की गई। आपको बता दें कि आगामी बकरीद के त्यौहार पर मस्जिदों में 5 से ज्यादा लोगों द्वारा नमाज नहीं अदा की जाएगी। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किए जाने की अपील भी की गई है। खुले में कुर्बानी ना की जाए। वहीं उपजिलाधिकारी ने कहा है कि किसी भी दशा में कहीं पर भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। लोगों से अपील की गई कि त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। के द्वारा जो उनके बावजूद जो शासन ने निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार किसी भी सार्वजनिक आयोजन को प्रतिबंधित किया गया है, कहीं पर भी कोई सामूहिक आयोजन नहीं होगा, धार्मिक स्थलों पर केवल 5 व्यक्ति जाकर जो भी पूजा अर्चना या नमाज पढ़ना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अपने घरों में रहकर जो त्यौहार मनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके किसी प्रकार के सामूहिक आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा, सामूहिक जो है सामंजस्य और सौहार्द को बनाते हुए त्यौहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जो है धर्म गुरुओं और जो भी हमारे कस्बे के लोग थे उन सभी से बातचीत की गई है। जो उनकी समस्याएं हैं वो नोट कर ली गई हैं, और बाकी ऐसी कोई विस्तृत समस्या किसी के द्वारा नहीं बताई गई है, तो यही हमारा प्रयास है कि त्यौहारों। वहीं कोरोना को लेकर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसी कड़ी में श्रावण मास में बटेश्वर धाम में कांवड़ नहीं चढ़ाई जाएगी। आगरा के बटेश्वर धाम में कांवड़ के लिए लोगों की भीड़ भी नहीं जुटेगी। शासन प्रशासन के ओर से लोगों से कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। वहीं मंदिर पुजारियों के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण सहयोग किया जाएगा। श्रद्धालु सिर्फ मंदिर में दर्शन ही कर पाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर भारत का प्रमुख तीर्थ धाम बटेश्वर छोटी काशी के नाम से भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा है कि पिछले वर्ष जो कोविड की वजह से सुरक्षा बढ़ती गई थी, तो जनमानस को जीवित और सुरक्षित रखना है, उस उद्देश्य से ये तीसरा जो कहर आने वाला है, या मान ले तीसरा जो आघात होगा, उसको बचाने के लिए, जनमानस को सुरक्षित रखने के लिए मंदिरों में दर्शन होंगे, लेकिन जलाभिषेक नहीं होगा, कांवड़ यात्रा नहीं होगी। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।